नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, मैं हूं सौरभ शर्मा। कर्नाटक में हिजाब को लेकर पहले से हंगामा जारी है और अब बजरंग दल के एक 26 साल के सदस्य के कत्ल ने मानिए बवंडर खड़ा कर दिया है, क्योंकि यह हत्या उसी शिवमोगा इलाके में हुई है जहां हिजाब को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शिवमोगा में हर्षा नाम के व्यक्ति की हत्या क्यों हुई, क्या इस कत्ल के पीछे हिजाब का ही विवाद है, क्योंकि हर्षा बजरंग दल का सदस्य था और वो लगातार हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहा था। आज शिवमोगा में इस मर्डर को लेकर बहुत हिंसा भी हुई, कई जगह पथराव हुए, आगजनी भी हुई। कर्नाटक में इस हत्या को लेकर बेहद तनाव है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं शिवमोगा से इंडिया टीवी के संवाददाता टी राघवन की रिपोर्ट, जिससे आपको बहुत सी बातें पता चलेंगी, क्योंकि ये हंगामा उस वक्त भी हुआ, ये हिंसा उस वक्त भी हुई जब हर्षा का पोस्टमार्टम चल रहा था और उस वक्त भी जब उसकी अंतिम यात्रा निकल रही थी, हर्षा का अंतिम संस्कार हो रहा था। शिवमोगा में आज क्या क्या हुआ ये आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता टी राघवन। फिलहाल हम शिवमोगा के विद्यानगर इलाके में हैं और यहाँ पर आप देखिए जो स्मशान घर है वो बिल्कुल इसी गली पर है और हर्षा के पार्थिव देह को यहाँ सर ले जाया जा रहा है। जब हर्षा के शरीर को हॉस्पिटल से घर की ओर ले जाया गया तब भी यात्रा निकाली गई और हिंसा हुई। आज़ाद नगर और सीगे हट्टी जो इलाका है जहाँ पर हर्षा का घर है वहाँ पर पथराव किया गया, तोड़फोड़ हुई, आगजनी की गई और उसके बाद जब घर से फिर से अंतिम यात्रा शुरू हुई तो यहाँ पहुँचने में तकरीबन 7 किलोमीटर का ये रास्ता है और जगह जगह पर एक बार फिर हिंसा देखने को मिली। के आर पुरम, बीएच रोड, सिद्धा सर्कल, ये सब ऐसे इलाके रहे जहाँ पर दुकानों को निशाना बनाया गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पूरा शिवमोगा कल रात से ही तनाव के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। जब से हत्या की ये घटना सामने आई उसके बाद भी भारी डिप्लॉयमेंट है पुलिस का, हर जगह पर शहर में पुलिस नज़र आ रही है। लेकिन जो भीड़ इस अंतिम यात्रा में जमा हुई उस भीड़ की तुलना में पुलिस की संख्या कम पड़ गई और पूरे शिवमोगा में लगातार इस अंतिम यात्रा के दौरान हिंसा देखने को मिली। ये तो वो बात हुई वारदात की और उसके बाद हुई हिंसा की, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या को लेकर कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री, वहां के गृहमंत्री, आपको दोनों की बात सुननी चाहिए। क्या हर्षा की हत्या के पीछे कोई संगठन है, क्या उसकी हत्या के पीछे हिजाब को लेकर उठा विवाद है, तो इस पर हम आपको पहले कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री के एस ईश्वरप्पा की बात दिखाते हैं और फिर आपको दिखाएंगे कर्नाटक के गृहमंत्री अर्का जननेन्द्र ने क्या बताया है। दोनों बातों को बहुत गौर से सुनिए। ನೆನ್ನೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಗುಂಡಾಗಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ, ಎಂದೂ ಕೂಡ ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಈ ಧ್ವಜದ ವಿಚಾರ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಭಗವಾನ್ ಧ್ವಜವನ್ನು ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 50 ಲಕ್ಷ ಶಾಲ್ಗಳನ್ನು, ಕೇಸರಿ ಶಾಲನ್ನು ಸೂರತ್ನಿಂದ ತಂದು ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲಾರಿಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೋ ಅದು ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಗುಂಡಾಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕುಮ್ಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ಏನು ಕ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಸಮಾಧಾನಕರ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಒಟ್ಟು 4-5 ಇರಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಖಚಿತ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರ್, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೃತ್ಯಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ದುರದೃಷ್ಟ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಮೆಸೇಜನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ವಿಕೃತ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿ ಬಚಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಮೇಲೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
तो आपने देखा, एक तरफ कर्नाटक सरकार के गृहमंत्री जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे कारण क्या है, अब ये इसकी जांच हम कर रहे हैं, हमने 3 संदिग्धों को पकड़ लिया है, और दूसरी ओर एक और कैबिनेट मिनिस्टर है वो खुलकर कह रहे हैं कि मुस्लिम गुंडों ने हर्षा की हत्या की है। अब देखिए, आपकी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने ट्वीट करके क्या कहा, उन्होंने कहा कि हर्षा की हत्या जिहादी कट्टरपंथियों ने की क्योंकि हर्षा हिजाब का विरोध कर रहा था, वो हिंदू विरोधी ताकतों के निशाने पर था। कर्नाटक की बीजेपी यूनिट भी इस केस की जांच अब एनआईए से कराना चाहती है। और आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री यशोभा करंदलाजे कर्नाटका से आती हैं, बड़ी लीडर हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी है कि इसके पीछे पीएफआई और एसडीपीआई का हाथ है और एनआईए से इसकी जांच होनी चाहिए। बहुत दुखद का बात है, कल हर्षा बजरंग दल का एक्टिविस्ट थे, उनका हत्या किया है। मुझे लगता है एक साजिश है, साजिश करके उनका हत्या किया है। सीरियस इंक्वायरी होना चाहिए और उसके पीछे कौन कौन है सभी को अंदर डालना, सीरियस इंक्वायरी करना, और अदरवाइज हर जगह में एक्शन रिएक्शन होने का संभव है। इसके लिए गवर्नमेंट सीरियसली इट विल टेक दिस इशू, जरूरत है तो एनआईए को केस हैंडओवर करना। सीटी रवि बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनका तो यहां तक कहना है कि इस केस की जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए, एनआईए से जांच होनी चाहिए, वरना एक्शन पर रिएक्शन होने की संभावना है। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं दानिश कुरैशी साहब राजनीतिक जानकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एआईएम से भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अब्दुल रजाक खान साहब भी जुड़ रहे हैं, आप भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत स्वागत है खान साहब आपका और कुरैशी साहब आपका। देखें कुरैशी साहब, जैसे खान साहब माफ कीजिएगा, चूंकि आते हैं कर्नाटका से अगर मैं गलत नहीं हूं, तो पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि पता क्या लग रहा है खान साहब, ये बताइए, क्योंकि बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं, बड़े नेता भी, कि इसके पीछे एसडीपीआई और पीएफआई है। देखिए, कर्नाटक में हिजाब का मामला बहुत गंभीरता से देखा जाता है, इसके बीच में लेटेस्ट अपडेट जो हमारे कुरैशी साहब माफ कीजिएगा, मैं खान साहब से जवाब ले रहा था, उनके बाद में आ जाऊंगा आपके पास, मुझसे ही गलती हो गई पहले नाम लेने में। जी कोई दिक्कत नहीं सौरभ भाई। देखिए सौरभ जी, देखिए यहाँ का जो ये हत्या हुई है, सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इसकी जितनी भी आप निंदा करें कम है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। जो इस इलाके के एमएलए हैं, उनका नाम है केएस ईश्वरप्पा, 16 फरवरी को एक बयान देते हैं कि हम लाल किले पर भगवा झंडा लहराएंगे। इसको लेकर के कांग्रेस इनके पीछे अरेस्ट की मांग करती है, इनको मिनिस्ट्री से रिजाइन करने की मांग करती है, पूरे के पूरे कांग्रेस नेता असेंबली में एक रात प्रोटेस्ट करते हैं, सारी रात वो घर नहीं जाते, असेंबली में प्रोटेस्ट करते हैं, और इतना सीरियसनेस आ जाता है कि कहीं ना कहीं इनको इनकी मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ती है, इस्तीफा देना पड़ता है, लेकिन अभी तक तो वो ऐसा नहीं किए हैं। और अचानक से इनके इलाके में ऐसी एक दुर्घटना हो जाती है, और ये होती है दुर्घटना कल रात 9:30 बजे, आज सुबह 8 बजे कन्नड़ चैनल पर मैं बैठा था तो 8 बजे ही इनका स्टेटमेंट आ गया है, यानी सवेरे के सवेरे ये वहां के एमएलए हैं, इससे पहले कि जांच हो, होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मेरे पास क्लू है, ये मामला हिजाब से जुड़ा हुआ नहीं है, और ये कहते हैं ईश्वरप्पा जी कि देखिए इसके पीछे मुसलमान गुंडों का हाथ है। सीटी रवि जी की बात ले लीजिए, ये एक सांसद है, देखिए जिम्मेदार पोजीशन में रहने के बाद जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए, एक्शन रिएक्शन की बात करते हैं सीटी रवि साहब, फिर उसके बाद में आप कर्नाटक के बड़े बड़े बीजेपी लीडर्स की जो भाषणबाजी है इसको आप देखें, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये इस हत्या को लेकर कहीं इसको उत्तर प्रदेश ले जाकर वहां पर चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि वीएचपी के बड़े लीडर का भी बयान आ चुका है, बीजेपी के बड़े बड़े लीडर बयान दे रहे हैं। हाँ भाई, ये तो बजरंग दल के एक्टिविस्ट थे, इससे पहले ऐसी हत्याएं बहुत हुई हैं, आप एनसीआरबी का डेटा उठाइए। हाँ साहब, देखिए खान साहब, देखिए मैं यूपी चुनाव तक इसको ले जाने की बात नहीं करता, लेकिन मैं आपने जो बातें कही उन्हीं को जोड़ रहा हूं मैं, तो क्योंकि अभी तक जो है पुलिस की तरफ से नहीं बताया गया कि कौन कौन जिम्मेदार था, नाम आ जाए, हो सकता है वो मुसलमान निकले जो ईश्वरप्पा जी इशारा कर रहे हैं, हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूं क्यों, मैं आपको हाँ साहब बात कॉन्टेक्स्ट की है, जैसे आपने भी बताया कि कर्नाटका में हिजाब का मामला इस वक्त बहुत गर्म है,
भले ही अदालत में चल रहा हो लेकिन बयानबाजियां चल रही हैं, प्रोटेस्ट भी उसको लेकर के हो रहे हैं। अब ये शख्स जो था ये जुड़ा हुआ था उस प्रोटेस्ट से भी और बजरंग दल से भी जुड़ा हुआ था। आप सोशल मीडिया पर देखिए, एक 2015 का एक कोई मंगलुरु मुस्लिम्स करके कोई पेज है, उससे दिखाया जा रहा है कि ये टारगेट, इसको टारगेट करने भी किया गया था, कहा गया था कि इसको अच्छा इलाज करें इसका। तो इन सब चीजों को जोड़ करके बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये टारगेटेड किलिंग है। और कुछ लोग तो खुल के कह रहे हैं, जैसे बीएल संतोष जी ने खुल करके कहा है कि ये इसीलिए हुआ क्योंकि ये व्यक्ति हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट करता था। जांच होने से पहले ऐसी भाषणबाजी जिससे कि हमारे राज्य की कानून सुव्यवस्था बिगड़ जाए, अरे ये कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड लीडर्स हैं, इनकी जिम्मेदारी है कानून सुव्यवस्था। आज शिवमोगा में मुसलमानों के घरों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही है, गाड़ियां जलाई जा रही है और पुलिस खड़े तमाशा देख रही है। और जो भी बात ये लोग कर रहे हैं सिर्फ हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ जब आप लोग लेते हैं तो आप ईश्वर के नाम पर खसम खाते हैं कि हम सभी जात बात सबको देखकर एक ही तरह से हम ट्रीट करेंगे। ये कैसी दुर्घटना है, एक दुर्घटना होती है उसके ऊपर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट। आप कह रहे हैं मुसलमानों को टारगेट करने के लिए हो रहा है, कम से कम नेताओं को संभल कर बयानबाजी करनी चाहिए जब तक की जांच ना हो जाए और पुख्ता तौर पर कुछ बताने के लिए पुलिस के पास या प्रशासन के पास हो, तब तक नहीं बयानबाजी होनी चाहिए। चलो ठीक, कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की हत्या के बाद अब ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री तक इस पर बयान दे रहे हैं। इसके लिए कुछ संगठनों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और तो और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर इस पूरे मामले की एनआईए जांच की मांग तक की जा चुकी है। सुधांशु त्रिवेदी जी भाजपा के सांसद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी आपका स्वागत है। मैं दो तीन बयान आपको बता रहा हूं, फिर यहां पैनल में जो बात हुई आपके आने से पहले बताता हूं। बीएल संतोष जी कहते हैं बलिदानी हर्षा जिहादियों के घर के सामने मारा गया क्योंकि हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन करता था। गिरिराज सिंह कहते हैं सेक्युलरिज्म का हिजाब पहनकर देश की अखंडता और सभ्यता को बचाने वालों की मॉब लिंचिंग टुकड़े टुकड़े गैंग ने करवा दी है। जो कर्नाटका के होम मिनिस्टर है वो कहते हैं हमें नहीं मालूम अभी इसके पीछे क्या वजह है, या हिजाब वजह थी या कौन लोग अभी हम नहीं जानते, लेकिन वहीं के कैबिनेट मंत्री कहते हैं कि मुसलमान गुंडों ने हर्षा को मारा। पैनल में बैठे लोग अभी ये कह रहे थे जो कर्नाटक से हैं हमारे साथ, अब्दुल रजाक खान जी हैं, दानिश कुरैशी जी हैं, कि जांच हो जाने थे पहले से ही, नतीजे पर कैसे पहुंच गए सब लोग? सौरभ जी जो आपने सवाल उठाया है और जो उनका सवाल मैं मानता हूं बहुत वाजिब है, परंतु क्या नतीजा देखने के लिए कुछ समझने की जरूरत है? ये बताइए कर्नाटक के पास में ही तो केरल है, वहां फादर जोसेफ का हाथ किसने काटा था? थोड़ा इधर बढ़िए आंध्र प्रदेश में 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो 100 करोड़ बनाम 25 करोड़ किसने बोला था? आइए महाराष्ट्र में कहा गया था ना कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, किसने बोला था? आइए उत्तर प्रदेश में हाजी याकूब कुरैशी डेनिस कार्टूनिस्ट का जो सर काट के देगा उसको हम 10 करोड़ रुपए देंगे। आइए उत्तर प्रदेश में और बंगाल में उस समय कि कमलेश तिवारी जिसने मोहम्मद साहब पे आपत्तिजनक टिप्पणी की थी उस पर ऑलरेडी केस चल रहा था, जेल में था, उसके बाद उसको सर काट देंगे और मार भी दिया। ये सब तो हो चुका है सौरभ जी, ये कहने की बात नहीं है। और उसके बाद कहा क्या क्या गया है, तालिबान की सरकार वहां बनती है, शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के सांसद, तालिबान मेरे दिल में है, मुनव्वर राणा जैसे शायर, जमाते उलेमा हिंद के मौलवी ये कहते हैं कि तालिबान की लड़ाई तो आजादी की लड़ाई थी। जनाब ये सब बातें हो चुकी हैं, सर काटे जा सैमुअल पार्टी का सर काटा जाता है फ्रांस में और यहां दंगे होने लगते हैं। 2012 याद करिए, मुंबई का आजाद मैदान, अमर जवान ज्योति काहे तोड़ दी गई क्योंकि सोशल मीडिया पे ये खबर आ गई थी कि रोहिंग्या मुसलमानों की एक तस्वीर आ गई थी जो बाद में पता चला थाईलैंड के तूफान में मारे गए लोगों की थी कि साहब रोहिंग्या बर्मा में मारे जा रहे हैं तो अमर जवान ज्योति तोड़ी जा रही है मुंबई में। अब तर्क बता दीजिए इसका। इसलिए जो बातें कही जा रही हैं वो बातें पिछले कुछ वर्षों में जिस ढंग से कट्टरपंथी सोच मुस्लिम समाज के एक हिस्से में केवल अपने स्वार्थ में, राजनीतिक स्वार्थ में उन कट्टरवादी तत्वों को आगे बढ़ाने का काम किया गया है, उसने देश का भी नुकसान किया है, मुस्लिम समाज का भी नुकसान किया है। इसलिए ये बातें एकदम जिसे कहते हैं मध्यान के सूर्य के समान दिखाई पड़ रही है। तो मैं आप ये कहूं कि आपका ये साफ मत है, आपका साफ मत है कि ये टारगेटेड किलिंग है और जिहादी कट्टरपंथियों ने की है, जैसा कि बीएल संतोष कह रहे हैं।
सौरभ जी, मैंने जो ये 10 उदाहरण बताए हैं विनम्रता के साथ और चैलेंज करके बोलता हूं जो लोग पैनल पर बैठे हैं, इसमें से एक भी उदाहरण मैंने गलत बोला हो तो बता दें। और अंत में एक बात कहता हूं, ये एक तरफा ही किलिंग क्यों होती है? मजहबी भावनाएं एक ही की क्यों हर्ट होती है? उग्र बयान भी वही देते हैं, हिंसा भी वहीं से होती है और किलिंग भी एक ही जगह की होती है, रिवर्स किलिंग क्यों नहीं होती भाई? आज तक बताइए। नहीं, सीटी सर, हाँ, सीटी रवि जी, सीटी रवि जी जो सांसद में आपके साथी हैं, नहीं सर, उन्होंने कहा पहले तो कहा जांच होनी चाहिए, फिर उन्होंने कहा है वरना एक्शन का रिएक्शन होने की संभावना है। देखिए, सीटी रवि जी का कोई बयान मैंने नहीं देखा तो मैं उस पर रिएक्ट नहीं कर सकता, परंतु इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार और भारत की न्याय व्यवस्था पर हमें पूरा विश्वास है, हमारी सरकार पूरी सतर्कता के साथ, सजगता के साथ, कड़ाई के साथ कार्रवाई कर रही है, दोषियों को पकड़ा भी जा चुका है और उनपे कार्रवाई भी होगी, इसलिए किसी भी प्रकार के एक्शन रिएक्शन की बात को मैं कदापि उचित नहीं मानता हूं। चलिए ठीक, दानिश कुरैशी जी, आपने सारी बातें सुनी, बहुत सारे उदाहरण दिए सुधांशु जी ने और चुनौती दी है कि बता दें इसमें से अगर एक भी गलत है, और क्या यह सिद्ध करने के लिए काफी नहीं है कि हर्षा की हत्या क्यों की गई? देखिए, अगर फैश की बात करेंगे सुधांशु त्रिवेदी जी की, तो मैं बता दूंगा कि सन परिवार में कितने मुखबिर रहे अंग्रेजों के, तो क्या आज जो है उन लोगों को उसी कैटेगरी में रखा जाएगा? हमारे यहाँ न्याय प्रणाली का किस लिए है, वो लोकतंत्र का एक हिस्सा है। सुधांशु जी लिटरेट है, उनको ये चीजें समझनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है इन्वेस्टिगेट करना, और उसके बाद न्यायालय का काम हो जाएगा उन्हें सजा देना या बाइज्जत बरी करना। तो बेटर यही होता कि अदालत अपना काम करती, और अगर इसी तरीके से सुधांशु त्रिवेदी जैसे जिम्मेदार नेता अगर भाषणबाजी करते रहे नेशनल चैनल पे आके, तो आप देखिएगा कि वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपको सौरभ ये सुनने को मिलेगा कि भाई अदालत में जो जज बैठे थे अभी तक हम जज कहते हैं, फिर हम उनके नाम से पुकारेंगे कि वो फलाने फलाने थे, वो उस धर्म से बिलोंग करते हैं, इसलिए इस धर्म वाले को उन्होंने ये दे दिया, तो क्या यही दिन देखना बाकी रहेगा? मैं तो दसियों बार कह चुका हूँ कि इस देश आपने बात छेड़ी है तो मैं इस पर एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपने भी शायद देखा होगा जरूर, एक तस्वीर जो है बहुत सर्कुलेट की जा रही है, कर्नाटका हाईकोर्ट के एक जज है, उनकी तस्वीर बता करके कहा जा रहा है, क्योंकि उनके पीछे जो बैनर लगा है वो कहीं ना कहीं उसमें जो आरएसएस के बैनर्स में भारत माता की तस्वीर होती है वैसी तस्वीरें उसमें लगी हुई हैं, उसमें सावरकर जी की तस्वीर लगी हुई है, तो कहा जा रहा है कि देख लो ये वो जज हैं जो हिजाब पे फैसला करेंगे, तो क्या फैसला आएगा समझ लो अभी से। मैं वही कह रहा हूं सौरभ के, ये जिस तरीके से सरकार अपनी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था, बताइए सरकार किसकी है? सरकार वहां पे सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी की सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था आप मैनेज नहीं कर पा रहे। अब आप बताइए कि आपके भगिनी संस्थाओं के संस्थान के मेंबर्स की अगर जान वहां सुरक्षित नहीं है, तो फिर आप बाकी किसको सुरक्षा देने की बात करते हैं? आप किसके विकास की बात करते हैं? दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ रेडिकलाइजेशन इतना हो चुका है कि सरकार अभी देखिए वहां 2 दिन स्कूल बंद रहेंगे। अरे भाई, कहां स्कूल बंद रहेंगे? रेडिकलाइजेशन कहां हुआ, किसमें हुआ रेडिकलाइजेशन? रेडिकलाइजेशन किसमें हुआ है? अरे देखिए, आप देखिए, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन, ये जितने भी हैं सारे ऑर्गेनाइजेशन, इनका काम क्या है? आप देखिए सुबह से लेकर शाम तक। दूसरा, हर्ष के मामले में जो चीजें सामने आ रही है वो ये आ रही है कि उसकी उम्र अभी आपने बताई 23 साल, किसी एक और उसके प्रिय मित्र ने 26 वर्ष उसकी उम्र लिखी। आप बताइए, वो हिजाब को लेकर स्कूल में क्या जाके प्रोटेस्ट करने की जरूरत है? हिजाब जो पूरा मामला है वो एडमिनिस्ट्रेशन का और स्टूडेंट्स के बीच का है, उसमें इनका कहां रोल आ जाता है? आप बताइए, तो ये सुपर एक्ट, अरे सर वो क्यों बन रहे हैं? अरे एक सेकंड दानिश साहब, वो व्यक्ति जो है बदरंग दल का सदस्य था, एक्टिव कार्यकर्ता था, उसकी उसके उसके संगठन ने जो प्रदर्शन किया वो उसमें शामिल हुआ था। अब बजरंग दल कोई प्रतिबंधित संगठन नहीं है ना भारत में? अरे वही तो दिक्कत है ना, प्रतिबंध लगने चाहिए ऐसे संगठनों पे, तो जो अच्छा पैरेंटिक सिचुएशन, तो ये और ये और जो आरोप जो बीजेपी के लोग लगा रहे हैं पीएफआई और एसडीपीआई पर, ये पीएफआई और एक सेकंड, आपने कहा बजरंग दल पर प्रतिबंध होना चाहिए, एसडीपीआई पीएफआई जिन पर आरोप लगाया जा रहा है, क्या उन पर प्रतिबंध होना चाहिए और क्या वो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं? अरे उनके ऊपर तो प्रतिबंध के कितने सारे अटेम्प्ट हो चुके हैं, हर बार मामले कोर्ट में पहुंचे, हमने तो देखा पीएफआई के ऊपर तो अलग अलग जगहों पे, अभी भी कुछ स्टेट में बैन लगा हुआ है, आसाम में हमने देखा था। तो कहने का मतलब ये है कि
कि अब प्रॉब्लम यह हो गया कि सरकार में बैठ के अगर आप अपनी भगिनी संस्थाओं के लोगों का सदस्यों की भी हिफाजत नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि सर दो शब्द जिसने उस आदमी की हत्या की, जिन लोगों ने ठीक है, आपने इनकी सरकार को खूब कोसा, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था आप बैलेंस्ड बात करेंगे। आपने कहा इनकी सरकार है, इनसे जुड़े हुए संगठनों को, पार्टी से जुड़े हुए संगठन के कार्यकर्ता को नहीं बचा पाई, जिन लोगों ने उसकी हत्या की उनके लिए भी दो शब्द बोल दीजिए। देखिए जिन्होंने हत्या तो किसी की भी जस्टिफाई नहीं की जा सकती सौरभ जी, चाहे वो कुछ भी हो। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति गुनहगार भी, हर्ष अगर गुनहगार भी है तो मामला उसका कोर्ट में जाना चाहिए था। जिस किसी ने भी किया उसको हम जस्टिफिकेशन नहीं करते, ना ही हम उनके समर्थन में। लेकिन बात यह है, मैं फिर से यही कहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जिनकी जिम्मेदारी थी वो उसके बदले सुधांशु जी आके उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के किसी आपकी बात को जवाब भी देना चाह रहे थे। हमारे साथ विनोद बंसल जी भी जुड़ गए वीएचपी से। विनोद जी स्वागत है, मैं आ रहा हूं एक मिनट एक कमेंट सुधांशु जी का लेके आपके पास। सुधांशु जी देखिए, अभी दानिश जी ये कह रहे थे कि कोर्ट में मामला है तो होने दिया जाए, मैं मानता हूं। ये बताइए कोर्ट ने जिस मामले में जजमेंट दे दिए वो आपने मान लिए क्या? अफजल गुरु को फांसी की सजा कोर्ट ने दी और उसके साथ शब्द क्या प्रयोग किया, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट काइम। दानिश जी प्लीज सुन के, अरे एक मिनट अपने अपने टर्न पे बोलिए। देखिए उसके बावजूद 7 साल तक उसकी फांसी रुकी रही और उसके बाद अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है नारे लगे कि नहीं? कौन था कातिल? सुप्रीम कोर्ट को कातिल कह रहे थे। याकूब मेनन को बाकायदा न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा साबित करके फांसी हुई तो क्या कहा गया? जुडिशियल किलिंग ऑफ याकूब मेनन। और अभी आपने बजरंग दल का नाम लिया था, आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठे हुए मान्यवर, आपको याद है बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाया था कांग्रेस सरकार ने विवादित ढांचा गिरने के बाद। और भारत सरकार में रूल है किसी भी संगठन पे प्रतिबंध लगाएंगे तो 60 दिन के अंदर आपको कोर्ट में चार्जशीट फाइल करके साबित करना होता है कि आपके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं। और उस जमाने में जब 92 में ये हुआ था, 60 दिन के अंदर संघ और बजरंग दल दोनों पे प्रतिबंध कोर्ट ने खारिज कर दिए थे क्योंकि कोई सबूत सरकार नहीं दे पाई थी। अब बताइए आप। और दूसरा याद दिलाता हूं, जनवरी 2013 भारत के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा जयपुर में जाकर कि संघ आतंकवादी शिविर चलाता है। और जब हम लोगों ने पार्लियामेंट में पूछा जवाब दीजिए तो भारत का गृह मंत्री क्या कह रहा है? अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था और अपना विड्रॉ कर लिया बयान। गजब के तर्क देते भाई आप लोग, ये दर्शाता है कि आप तथ्य पे नहीं पूरी तरीके से विभाजनकारी मानसिकता पे बोलते हैं। ठीक है, दोनों फैक्ट मैंने बताए, गलत हो तो बता दीजिए। सुधांशु जी हाँ बोलिए, खान साहब बोलिए बोलिए। सुधांशु जी अमेरिका की एक एजेंसी है CIA, उसने 2018 में कहा था कि बजरंग दल और VHP मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस है। ये CIA का काम होता है कि हर देश में ऐसे जो आतंकवादी संगठन होते हैं उनके ऊपर एक जांच करती है और एक रिपोर्ट निकालती है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बजरंग दल को और विश्व हिंदू परिषद को मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया था CIA ने। मैं खान साहब आपसे एक बात पूछूं, आपने CIA का जिक्र किया, CIA का क्या काम है? CIA का क्या काम है पूरी दुनिया में हम सब समझते हैं, सबको मालूम है CIA क्या करती है। मेरे मैं कह रहा हूँ CIA, एक बात सुन लीजिए। CIA ने दुनिया भर में, केवल एक जगह नहीं, दुनिया भर में कहां कहां पर एंटी टेरर ऑपरेशंस किए होंगे, कितने आतंकवादियों को मारा होगा, मैं नाम ढूंढूं तो बहुत सारे निकल जाएंगे, क्या उन सबको आतंकवादी मानते हैं आप? सौरभ जी देखिए, जिस वक्त पर ये घटनाएं होती हैं उस वक्त पर मीडिया चैनल वाले भी बीजेपी के हित में कर जाते हैं। कैसे? मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि एक इंटरनेशनल एजेंसी, अरे तो फिर आप नहीं आप अरे इंटरनेशनल एजेंसी सर, कोई यूएन थोड़ी है CIA, CIA कोई यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स का ऑर्गेनाइजेशन है क्या? CIA किसको और फिर CIA के सारे सर्टिफिकेट मानिए आप, फिर CIA फिर जो कार्रवाई करता है सबको सच मानिए। 2019 10 अक्टूबर को सुधांशु त्रिवेदी जी एक दूसरे चैनल पे मेरे साथ डिबेट पर थे, पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा था, उस वक्त पर उन्होंने कहा कि RSS का कार्यकर्ता बंधुपाल इसको मुसलमानों ने मार दिया। पूछिए सामने बैठे सुधांशु जी, मैं इनसे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, अमित शाह जी ने टिप्पणी की इसके ऊपर कि बंधुपाल और उनकी एक ड्यूटी उनकी वाइफ, उसका नाम ड्यूटी गोपाल और उनका एक 8 साल का बच्चा, तीनों की हत्या हो गई थी। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि इट वाज अ फाइनेंशियल डिस्प्यूट, इसमें मुसलमानों का कोई हाथ नहीं था। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि इलेक्टेड लीडर्स जैसे कि हमारे CT रवि, जैसे कि यहाँ कर्नाटका की सांसद शोभा करंदलाजे,
ये कह रहे हैं एक्शन पे रिएक्शन होगा, इसका मतलब देश मतलब कर्नाटक में दंगा भड़काना खुद बीजेपी चाह रही है। ठीक है, कर्नाटका में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या को क्या राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे आरोप बीजेपी के नेताओं पर लगाए जा रहे हैं और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये टारगेटेड किलिंग है, ये जिहादी तत्वों की कार्रवाई है क्योंकि वो हिजाब के खिलाफ प्रदर्शनों में मुहिम में शामिल था। सुधांशु त्रिवेदी जी, आरोप यहां ये भी लग चुका है, आप तब नहीं आए थे, कि इसको तो यूपी चुनाव तक फायदा पहुंचाने की कोशिश है। अच्छा ये बताइए, ये जो हिजाब विवाद शुरू हुआ कर्नाटक में, सौरभ जी आजकल सोशल मीडिया के जमाने में किसी का भी प्रोफाइल जाके चेक किया जा सकता है, जितनी बच्चियां इस समय हिजाब में आ रही हैं कितनों के सोशल प्रोफाइल हिजाब में है उस घटना से पहले के बता दिया जाए, तो इससे साफ हो जाता है कि इसका किसी भी प्रकार के उनकी परंपरा मान्यता और उनके प्रचलित पहनावे से कोई लेना देना नहीं था। अचानक योजनाबद्ध तरीके से जो ये आरोप है कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जो कि प्रकारांतर से पीडीआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक संगठन है, उसने इस मामले को बढ़ावा देने का प्रयास किया और तमाम प्रकार की जो नारेबाजी हुई। हमारे जो दोनों प्रतिनिधि बैठे हुए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिसको आप कहते हैं कि यदि ये इस्लाम की मान्यताओं का हिस्सा है, तो मैं आपको आधा दर्जन उन महिलाओं का नाम बताता हूं जो मुस्लिम देशों में राष्ट्राध्यक्ष रही हैं, कितनों की फोटो हिजाब में, आप बगल से शुरू करिए। बेनजीर भुट्टो कभी फोटो हिजाब में देखी, पल्ला रखती थी सर, बेगम खालिदा जिया और शेख हसीना कभी देखा है, इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री जिसकी की वो थी मेघावती सुकर्णो पुत्री। अरे भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए साहब, मैं किसी के जमाने में नहीं बोलता हूँ। अरे हमारे यहाँ बताइए नजमा हेपतुल्ला या मोसिना किदवई को देखा कभी हिजाब में, बोलिए सर। पंडिता रामाबाई सरस्वती, अरे भाई मेरी बात अपने अपने टर्न पे बोलिए और मैं बताना चाहता हूँ। हिजाब पहनकर बैठी है, अच्छा विकिपीडिया करिए पता चलेगा। अच्छा ठीक है, रजाक साहब ठीक आप उनकी बात, भाई आप बोल रहे थे, मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया मान्यवर, पूरी बात हो जाने दीजिए। टर्की की राष्ट्रपति रही है तांसू सिलर कभी है, अब बताइए मोहम्मद साहब की डिसेंडेंसी में केवल शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन है, उनकी तीन या चार पत्नियां हैं। मैं दोनों चुनौती से कहता हूं किसी की हिजाब में फोटो दिखाइए, खाम खाम है हिजाब को मुद्दा बना रखा है। जवाब देता हूं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने इसको मुद्दा नहीं बनाया। वंदे मातरम मैं नहीं बोलूंगा, राष्ट्रीय गान पर मैं नहीं खड़ा होऊंगा, क्योंकि ये कहेंगे संविधान में कहां लिखा है, किस अनुच्छेद में लिखा है कि नेशनल एंथम गाया जाए तो खड़ा होना चाहिए, झंडे के आगे सिजदा मैं नहीं करूंगा, भारत माता की जय मैं नहीं बोलूंगा। सुधांशु जी ठीक है, वही लोग आज ये कह रहे हैं हिजाब को लेकर मुद्दा बना रहे हैं। ठीक है, और मैं एक लाइन और कह दूं, सुनिए अब्दुल रजाक साहब, आप जिस आधार पर कहते हैं कि इस्लामी शरिया के हिसाब से हिजाब उसका जरूरी हिस्सा है, तो उसमें तो यह भी लिखा बुरके के बाहर औरत आए तो कोड़े भी पड़ने चाहिए, बोलिए पूरी बात मानेंगे क्या सर? जवाब क्या है मुझे? अरे सुधांशु जी अगर ये लिखा है कि बुरके में रहना है तो ये भी लिखा है बुरके के बाहर कोड़े पड़ने चाहिए, बोलिए स्वीकार करेंगे? शराब पीते हुए आदमी पकड़ा जाए तो पत्थर मारे जाने चाहिए, स्वीकार करेंगे? चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो हाथ काटे जाएंगे। हमारे साथ अब विनय शंकर तिवारी जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ अब्दुल रजाक खान साहब हैं, दानिश कुरैशी जी हैं। ब्रेक से पहले बात हुई कि कर्नाटका में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के पीछे क्या ये वजह है, क्योंकि वो हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। बात होते होते सुधांशु जी ने ये कहा कि हिजाब को लेकर इतनी कट्टरता क्यों, इतनी जिद क्यों, क्योंकि इस्लाम में बहुत सी चीजें हैं जो कि अनिवार्य बताई गई हैं, केवल एक चीज पर ही क्यों अड़े हैं इस वक्त कर्नाटक में कुछ लोग, इसका जवाब देंगे सबसे पहले अब्दुल रजाक खान। सौरभ भाई देखिए, ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में दुपट्टा मौजूद है, हमारी बच्चियां इस तरीके से पहनना चाह रही हैं, जो दुपट्टा आप कांधे पर डालते हैं उसी दुपट्टा को ये सर पे बांधना चाह रही है, तो इससे कोई बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को, आरएसएस को, बीजेपी को क्यों आपत्ति है? क्योंकि इनको चुनावी एक मुद्दा बनाना था, उत्तर प्रदेश इनके हाथ से निकल चुका है, अब किसी ना किसी तरीके से इस इशू को भी ये ऐसे भड़काना चाहते हैं जैसे कि एक हिंदू मुसलमान का एक दंगा हो जाए और उस दंगे को ही उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस्तेमाल करना चाहते। बताइए, एक बच्ची जो पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज आ रही है, जो यूनिफॉर्म कांधे पर पहन रही है उसको सर पर बांध लेती है, तो इसको उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी मात्रा में इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मैं सुधांशु त्रिवेदी से बड़े आदर के साथ जवाब देना चाहता हूँ, ये तो मुझे लिस्ट दुनिया भर के लोगों की गिनवा रहे हैं जो हिजाब नहीं करती। मैं तो इस देश में जो रेवोल्यूशन लाई है महिलाएं, प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल जी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, कोई एक तस्वीर बिना सर पे पल्लू के दिखा दे
झांसी रानी लक्ष्मीबाई जी की एक तस्वीर बिना पल्लू के दिखा दे, जीजाबाई जो छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ है उनकी एक तस्वीर बिना पल्लू के दिखा दे, ये पंडिता रामाबाई सरस्वती जो महिलाओं के आर्य समाज शुरू की थी उनका दिखाए, सावित्री फूले जी का दिखाए, मैं तो लिस्ट गिने जाऊं। नहीं ठीक है रजाक साहब, ठीक है आपकी बात का जवाब वो दे देंगे, मैं जा रहा हूँ। नहीं ठीक है, अब हम चूंकि इस बहस में घुस गए हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आप उनकी उस बात पे भी जवाब दे दें। ये तो आपने ही बहुत सारी लिस्ट गिना दी उनकी लिस्ट के जवाब में। देखिए अदालत में बहस क्या हो रही है इस वक्त, अब मैटर ऑफ चॉइस की बात नहीं हो रही है, मैटर ऑफ चॉइस पहले होता था, अब बहस हो रही है कोर्ट में कि एसेंशियल पार्ट है। तो सवाल ये था कि क्या केवल हिजाब पहनना ही एसेंशियल है, अगर जो इस्लाम में बाकी कानून है क्या वो एसेंशियल नहीं है? सर देखिए ये सह्याद्री स्कूल है कुंतापुर में, जिस स्कूल में दंगा शुरू हुआ उसके बिल्कुल बगल वाली स्कूल ये है, ये हिजाब पहनी हुई बच्चियां ये जमाने से हिजाब पहनते हुए आ रही है। नहीं अग्री, मैं मान रहा हूँ आपकी उस बात को, मैं वो ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, मैं मेरे सवाल का जवाब दीजिए। दरअसल सुधांशु जी का जवाब था क्या फिर बाकी चीजों की मांग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में बहुत सी चीजों के लिए रूल्स प्रिस्क्राइब्ड है कि ऐसा हो तो ऐसा ही होना चाहिए। देखिए कई चीज कुरान में है जो मैंडेटरी है, जो मैंडेटरी है उसको तो मानना ही पड़ता है, उसी को मानकर इतने सालों से चलते हुए आए हैं। 75 सालों में हिंदू मुस्लिम में कभी इतना डिवाइड नहीं क्रिएट हुआ जितना कि ये 2014 से डिवाइड क्रिएट हो गया। हम ये कह रहे हैं कि हम ये तो नहीं बोल रहे, देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक साहब गए बोले कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन किया हूं मुझे दाढ़ी रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटीग्रल एसेंशियल है, तो उन्होंने बताया कि इंटीग्रल है लेकिन एसेंशियल साबित नहीं कर पाए तो उनको बाहर भेज दिया गया। फिर उसके बाद हमने कोई क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन बिल्कुल नहीं डाली, लेकिन ये एसेंशियल है। ठीक है सुधांशु जी, आपके सवाल का उत्तर था ये, आप सहमत हैं जवाब से? आप देखिए एक बात तो जाने अनजाने में अब्दुल रजाक जी के मुंह से देखिए कितनी अच्छी निकल गई, इन्होंने जितनी भारतीय महिलाएं गिनाई वो सब सर पे पल्ला रखती थी। यही तो मैं कह रहा था जनाब, मैंने भी जो बोला सिख और हिंदू औरतें सर पे पल्ला रखती हैं, भारत की परंपरा में सर में पल्ला था, हिजाब शब्द अरबी है, बोलो ना पल्ला रखना है। अरे आपने अरबी क्यों, मैंने बोला बेनजीर भुट्टो भी पल्ला रखती थी, बेगम खालिदा जिया भी पल्ला रखती हैं, और वो भी ये हिजाब क्यों भाई? और रही बात इसकी, फिर देखिए बीच में तरीका ठीक नहीं है। अच्छा चलिए आप बोलते हैं मैं नहीं डिस्टर्ब करता, कोई तरीका ठीक नहीं है। खान साहब दानिश जी मैं आऊंगा, आप उत्तर दे दीजिएगा इस बात का, तिवारी जी भी वेट कर रहे हैं। आप बोल रहे थे मैंने शांति से अपने टर्न का इंतजार किया। हाँ अब मैं बोलता हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ पल्ला बोलो पल्ला नहीं बोलेंगे, पल्लू और घूंघट बोला जाता था भारतीय उपमहाद्वीप में अविभाजित भारत में, मगर आपको अरबी शब्द अच्छा लगता हिजाब। अच्छा एक बात सुधांशु जी, एक बात का जवाब आप भी दीजिए सुधांशु जी, एक सेकंड, अभी आप जो कह रहे हैं कि पल्ला अगर अगर ये अगर सर 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 प्लीज अगर ये पल्लू पल्लू बोलने लगे कि हम पल्ला रख रहे हैं सर पर, तो क्या सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी, भले ही वो उसी तरीके से उसको चेहरे पर बांधे जैसे हिजाब बांधते हैं? ना नहीं नहीं, मैं दूसरी बात, मैं जो कहना चाह रहा हूं वही मैं पूरी बात कहना चाहता था, ना पल्लू जो है किसी संस्कृति का कंप्लीट हिस्सा है ना हिजाब हिस्सा है, मगर इनको पल्ला वर्ड नहीं बोलना है, इन्हें हिजाब बोलना है जो अरब की मानसिकता को दर्शाता है, उसके पीछे एक एजेंडा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं अब्दुल रजाक साहब, किसी बच्ची का दिखाइए तो पुराना फोटो हिजाब में, और अगर इसेंशियल है जैसे सरदार पगड़ी रखते हैं तो बगैर पगड़ी का कोई सरदार आप नहीं दिखा सकते, परंतु बगैर हिजाब के लाखों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं। अच्छा ठीक है सुधांशु जी, खास बड़े बड़े दानिश जी के पास हुई है, दानिश जी के पास और तिवारी जी के पास जाना चाहता हूं, एक सेकंड तो आप बताइए उसके बाद इसेंशियल, क्योंकि हम अभी तक इस चर्चा में विश्व बंधु परिषद का पक्ष नहीं जान पाए हैं, और विश्व बंधु परिषद ने सबसे मुखरता से जो है आरोप भी लगाए, कुछ संगठनों के नाम भी लिए हैं। तो मैं तिवारी जी से पहले और फिर दानिश जी आपके पास आऊंगा, हर्षा की हत्या पर सीधे सीधे एक निष्कर्ष पर पहुंचना कि पीएफआई और एसडीपीआई इसके पीछे हैं, यहां पर बैठे बाकी दो मेहमानों ने कोई उनकी हिमायत नहीं की एसडीपीआई या पीएफआई की, लेकिन इतना जरूर कहा कि जांच होने देते, बड़े बड़े मंत्री उसके बाद बोलते, जब जब पुलिस कुछ बता देती तब तब बोलते, मांग करते, अच्छा लगता। देखो सौरव जी, हर्षा हमारा बजरंग दल का एक प्रखंड का संयोजक था, और वो केवल उसका दोष ये माना गया और इसलिए अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा बिठाया गया, क्योंकि वो सभी विद्यालयों में ड्रेस कोड की बात कर रहा था, उसकी वकालत कर रहा था, उसकी पैरोकारी कर रहा था। अब आपने कहा कि ये पीएफआई और इनके जो संगठनों का नाम क्यों लिया, कि जब उसको मारा जाता है और वहां के लोगों को तो पता होता है पीएफआई के लोग हैं एसडीपीआई के लोग हैं, तो उन्होंने अपनी बात कह दी
और उन लोगों के आधार पर यह बात कही गई। ठीक है, जांच एजेंसियां जब करेंगे तब करेंगे, लेकिन उनके लोगों को तो पता है कौन से हैं। दूसरी बात, एक मैं बात कहना चाह रहा हूं कि ये जो लोग बार बार अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं और कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, तो मैं तीन बात कहता हूं कुरैशी साहब। आप मैं कुरान पढ़ा नहीं हूं, लेकिन कुरान के विषय पे जो आर्टिकल आते हैं, जो लिखते हैं, उस पर मैं कहना चाहता हूं कि आप क्या क्या ये नहीं लिखा, आप क्या कि नहीं लिखा कि आपका ब्याज लेना मना है आपके यहां, लेकिन आप लोगों के अकाउंट बैंक में होते हैं, बैंक ब्याज देता है। कभी आप बैंक के सामने जाकर आपने कोई हड़ताल की, कभी वहां पर जाके कोई अनशन किया, कभी कोई वहां प्रदर्शन किया कि हमें आप ब्याज क्यों देते हो? हमारे कुरान में ब्याज लेना मना है, लेकिन आप ब्याज देते हो इसलिए हम हड़ताल करते हैं। दूसरी बात, एक मिनट, आप क्या क्या फोटो लेना, फोटो खिंचाना जायज है क्या कुरान और हदीस में? अगर जायज नहीं है तो आप यहां बैठे क्या कर रहे हैं? कभी आपने सरोजी कहा कि नहीं, हम आपकी टीवी में नहीं बैठ सकते क्योंकि हमारे यहां मना है। आपके यहां चौराहे पर जहां लोगों को बाधा पहुंचती हो वहां पर आप नमाज नहीं कर सकते, लेकिन चौराहे पर खड़े होकर घंटों जाम लगा करके आप वहां पर नमाज करते हैं, तो ये आप कुरान की हदीस की मानते हैं? यानी अरब में सूर्य नमस्कार कर सकते हैं जिस प्रकार से सूर्य नमस्कार होता है, कुवैत में हो सकता है, लेकिन भारत में आप कहते नहीं सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते। कहते हैं कि सूरज की गर्मी से, सौरोजी अंत में, सूरज की गर्मी जितनी घातक नहीं होती उससे घातक होती है वहां उससे तपी हुई बालू। यानी ये क्या मुसलमान का जो विषय है ये क्या अपने ऊपर लागू करते हैं कि नहीं? यानी केवल देश में अराजकता फैलाने। अब मैं जरा सब आपकी बातों का उत्तर ले लेता हूं। जी तिवारी जी, ठीक है, बोलिए कुरैशी जी। देखिए, सबसे पहले तो तिवारी जी जो हैं वो हर्षा के मर्डर केस के बजाय वो इस्लाम को गरियाने में और कूदने में चले गए, थोड़ा सा इससे बचिए। कुरैशी बोली, वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसी कोई गाली नहीं दी, मैंने ऐसी कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही। अब बोलिए, मतलब उनका सेंस मेरे कहने का मतलब वही है कि वो जो कह रहे हैं, तो मैं आपको वही बताता हूँ। कुरान के अंदर में बहुत सारी चीजों का रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि शराब पीना, लेकिन आप देखिए कि अगर गुजरात को और कुछ और स्टेट को बात कर दे तो वहां आप शराब आम पी सकते हैं, वहां मुसलमान शराब पी रहा है तो कोई पी रहा है तो हम उसको कानूनन रोकने नहीं जाते। इसी तरह अगर कोई बहन, कोई बेटी, कोई बच्ची हिजाब लगा रही है तब भी आप यहाँ, हमारे यहाँ कोई क्रिमिनल ऑफेंस, आप एक आईपीसी सेक्शन बता दे मुझे जिसके मुताबिक क्रिमिनल ऑफेंस रजिस्टर होता हो हिजाब पहनना। अब देखिए, आप बात कर रहे थे सिख भाइयों की, मैं आपको बात कहता हूँ कि दरअसल मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये त्रिपाठी जी ने जो कहा है इसके काउंटर में मुझे बोलना पड़ रहा है। क्या छोटी बच्चियां बिंदिया लगा के नहीं जाती है? क्या कड़े पहन के नहीं जाते? तो ये सब जो है हमारे यहाँ एक धर्म का हिस्सा है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, त्रिपाठी जी आप भी सुनिए और सुधांशु जी आप भी सुनिए, हमारे यहाँ जब कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूट किया गया ना, उसके अंदर में सारे मजहबों का कोर देख के उसको फिर बनाया गया। आप एक बार मुझे बताइए कि क्या भारत का संविधान किसी एक मजहब के, क्या आपके मजहब के, क्या मेरे मजहब के मुखालिफ जो क्या एक्सेप्ट करता है? इस देश में हिंदू करता, इस देश में मुसलमान एक्सेप्ट करता, क्या इस देश में क्रिश्चियन एक्सेप्ट करता? और आप बात कर रहे थे अरब की, सुनिए मेरी बात, हमें नाज है कि हम मोहम्मद अरबी के फॉलोअर्स हैं और इस पे ताउम्र रहेगा, हम पैदा हुए वहां से लेके मरेंगे वहां तक। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सुनिए, क्रिश्चियनिज्म जो है वेटिकन से आया है, तो अगर उनकी दीवी डेमोक्रेसी में आप आगे टीवी पे भाषणबाजी कर रहे हैं तो आप क्यों अडॉप्ट करके बैठे? आप अपनी संस्कृति के मुताबिक लगाते हैं वर्ण व्यवस्था और मानते हैं आदमी दलितों पे जो जुल्म पहले हो रहा था वो करते, लेकिन बुराइयों को रोकने के लिए संविधान लागू है। और अगर कहीं कोई किसी को हर्ट नहीं करता, ऐसे किसी भी एक्ट को आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। चलिए, अच्छा ठीक है, आपने दो तीन बातें कही, मैं जरा सुधांशु जी से उनका जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर ये बातें हिजाब के डिफेंस में कही जाती हैं, जैसे उन्होंने मैटर है एडमिनिस्ट्रेशन और बच्चों के बीच का। हाँ ठीक है कुरैशी साहब, ठीक है, पहले तो मैं अभी आपने जो कहा कि क्या बच्चियां जो हैं वो बिंदी नहीं लगाती या कड़े नहीं पहनते, इसकी तुलना हिजाब से आप कर रहे हैं कि वो अगर अलाउड है तो हिजाब अलाउड क्यों नहीं है? दूसरा, आप कह रहे थे कि हिजाब पहनने से कौन सा आईपीसी का सेक्शन वायलेट हो रहा है? जी सुधांशु जी, देखिए अब बहुत साफ हो गई जो कुरैशी साहब ने बोला, इन्होंने कहा जो पहनना चाहता हिजाब पहनता, नहीं पहनना चाहता नहीं पहनता, मतलब साफ हो गया मामला जरूरत का नहीं सहूलियत का है, और अब दिख रहा सहूलियत का नहीं सियासत का है। मैंने पहले ही बोला कुरैशी साहब, जो लड़कियां या औरतें चूड़ी पहनती हैं तो हमेशा पहनती हैं, ऐसा नहीं होता है कि कहीं पहनती कहीं नहीं पहनती हैं, कभी सोशल मीडिया प्रोफाइल में जीन्स और टॉप में फोटो है और अब जब हम कॉलेज में आएंगे तो हिजाब में है। और दूसरी बात जो विजय शंकर तिवारी जी ने कही थी उस पर क्यों नहीं जवाब दिया?
अगर इतना धर्म के प्रति अकीदत है तो अपना इंटरेस्ट लौटानी है ना बैंक को, कि मेरे लिए हराम है ब्याज का पैसा मैं वापस लौटाता हूं, मेरे लिए हराम है फोटो खिंचवाना, मैं किसी मुस्लिम हीरो हीरोइन की फोटो नहीं देखूंगा, मैं गाना नहीं गाने दूंगा, वो तो सब कुछ चाहिए, मेरे लिए हराम है शराब पीना, शराब पीऊंगा तो मैं कहूंगा कि मुझे चौराहे पे पत्थर मारे जाए, वो तो मुझे नहीं चाहिए, मैं चोरी करूंगा तो मेरा हाथ काट दिया जाए, वो तो मुझे नहीं चाहिए। और जबकि हिजाब में आपने खुद बोल दिया कि ये जरूरत का नहीं सहूलियत का मामला है, जो पहनना चाहे पहने, ना पहनना चाहे पहने, उसे मैं कॉलेज में ही पहनूंगी जी, ठीक, और स्कूल के अंदर क्लास के अंदर ही बैठकर पहनेंगे। इससे ये मन में संदेह उत्पन्न होता है कि आप इस पे नफरत की सियासत करना चाहते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करना चाहते। और एक और बात मैं कह देना चाहता हूं, बाकायदा इस्लाम में लिखा है कि पक्की कब्र हराम है, मोहम्मद साहब ने कहा कभी पक्की नहीं होनी चाहिए कब्र, उसके बाद कब्रिस्तान बनाएंगे आप और उसके बाद कब्रिस्तान को लेकर राजनीति करेंगे। अच्छा, बहस बहुत लंबी है, इन विषयों पर बहस जो है कुछ मिनटों में नहीं समेटी जा सकती, समय की मजबूरी है। मैं शुक्रिया करूंगा आप तीनों का। और आखिर में आज से जहां चर्चा शुरू हुई, बजरंग दल का कार्यकर्ता हर्षा जिसकी हत्या हुई है, उसकी जांच का निष्कर्ष जल्द से जल्द निकलना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। बहुत धन्यवाद सुधांशु त्रिवेदी जी का, तिवारी जी का और दानिश कुरैशी जी आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।